बढ़ते आगे। इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आज कटनी के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बता दें, राजा पहाड़ पर श्री हरिहर तीर्थ का भूमि पूजन सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कटनी में परशुराम की अष्ट धातु की सबसे बड़ी प्रतिमा तैयार की जाएगी। परशुराम जी की 108 फीट की प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। भूमि पूजन कार्यक्रम में जगतगुरु रामभद्राचार्य, अवधेशानंद, प्रोफेसर गिरीश त्रिपाठी भी उपस्थित रहने वाले हैं। रुद्राक्ष वन, चंदन वन, नगभ्री वन और तुलसी वन भी विकसित किए जाएंगे। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान कटनी के दौरे पर हैं। ऐसे कई कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करेंगे। भोपाल से मेरी सहयोगी अमितांशी हमारे साथ जुड़ गई है। अमितांशी, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का कटनी दौरा है, कब वो कटनी पहुंचेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम उसके बाद? बिल्कुल, देखिए दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कटनी पहुंचेंगे और यहां पर काफी ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। अगर हम बात करें तो यहां पर राजा पहाड़ पर श्री हरिहर तीर्थ स्थल को विकसित किया जा रहा है और विजय राघोगढ़ के विधायक संजय पाठक ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो 108 फीट की परशुराम जी की प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया जाना है, जो कि अष्ट धातु से निर्मित है और ये पूरे देश की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई जा रही है। काफी बड़ा हिंदुओं का कार्यक्रम है। सबसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हिंदुत्व के बड़े चेहरे, खासकर अगर हम बात करें तो अवधेशानंद गिरी महाराज यहाँ पर शामिल होने वाले हैं, प्रोफेसर गिरीश त्रिपाठी यहाँ पर शामिल होने वाले हैं और महासंत रामभद्राचार्य भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। देखिए, अगर हम बात करें तो इस जो पूरी जगह का निर्माण होना है ये काफ़ी बड़े स्तर पर होना है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका पूरा भूमि पूजन करते हुए नजर आएंगे। अगले 7 दिन तक यहाँ पर जो है बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी संत समागम होने वाले हैं, जितने भी संत आने वाले हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन संतों के साथ भोजन भी करते हुए नजर आएंगे। यानी कि अब संतों का आशीर्वाद लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कहीं ना कहीं चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी यहाँ पर शामिल रहेंगे। देखिए, करीब 2 से 3 घंटा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर रहेंगे। सबसे पहले वो भोपाल से जबलपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। जबलपुर एयरपोर्ट से वो कटनी पहुंचेंगे, वहाँ पर संत समागम कार्यक्रम में शामिल होंगे, पूरे कार्यक्रम का भूमि पूजन करते हुए नजर आएंगे, साथ ही साथ संतों के साथ भोजन करते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं संत समाज का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, लेकिन हिंदुओं को भी यहाँ पर जो एक बड़ा तीर्थ स्थल मिलने वाला है राजा पहाड़ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए रुद्राक्ष वन विकसित किया जाना है, बड़े तीर्थ स्थल बनाए जाने वाले हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाने वाला है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये एक पर्यटन स्थल के साथ साथ जो है पूरा जो स्थल है वो बहुत ही बड़े स्तर पर जो है विकसित किया जाना है। विजय राघोगढ़ के विधायक संजय पाठक का पूरा आयोजन है, अभिनेता आशुतोष राणा भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि महाकौशल में आज दिग्गजों का जमावड़ा है, जहां एक और दूसरी प्रियंका गांधी जो है कार्यक्रम है जिसमें खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे।